स्टार्टिंग विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट बेनिफिशंट एंड द मोस्ट मर्सीफुल डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू द क्विक लर्न अकैडमी बाय अरुस्ा इरम टुडे वी विल टॉक अबाउट द फिजिक्स क्लास नाइंथ पेयरिंग स्कीम स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट नोट ये है कि इस बार जो पेपर होने हैं वो एस एल ओ बेस्ड होने स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेस्ड पेपर होने हैं इसमें आपके पास सिंपल जो आपने चीज़ें लर्न की हैं उसके साथ साथ आपका कॉन्सेपचुअल पेपर भी आएगा लाइक like आपका सिक्सटी मार्क्स का फिज़िक्स का पेपर है तो उसमें से फोर्टी फाइव मार्क्स जो हैं वो आपके नॉलेज बेस्ड होंगे सिंपल डेफिनेशनस आ सकती हैं जो आपने सीधी सीधी चीज़ें याद की हुई हैं और फिफ्टीन मार्क्स जो हैं वो एनालीटिकल बेस्ड होंगे एनालीटिकल बेस्ड में आपके पास जो है वो आप उसके इसको कंप्लीट कवर करने के लिए आपके कॉन्प्ट अच्छे से क्लियर होने चाहिए कि आपके पास फ़िज़िक्स में जो है वो डिफ़रेंट टेबल्स दिए गए हैं वहाँ से आ सकता है आपके कॉन्सेप्ट की जो है वो जज किया जाएगा कॉन्सेप्ट को कि आपके कितने क्लियर हैं तो अगर आप सिक्सटी मार्क्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है वो अपने सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने होंगे ताकि आप इजीली नॉलेज बेस्ड और एनालिटिकल बेस्ड ये दोनों पोर्शंस इजीली आप उनको कवर कर सकें तो डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर वन विच इज़ द एम सी क्यूज डिवीजन उसमें आपको सबसे पहले जो है वो एम की शीट दी जाती है जिसके ऊपर ट्वेल्व एम होते हैं और उसमें कोई ऑप्शन नहीं होती आपने ट्वेल्व के ट्वेल्व अटैम्प्ट करने होते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो है वो नाइन मार्क्स जो हैं वो हर बुक के लास्ट पे जो आपको आ, हर चैप्टर के लास्ट पे एक एक्सरसाइज दी गई है उसमें से एम सी क्यू लाजमी आएंगे नाइन मार्क्स के और थ्री एडिशनल होंगे अब ये जो थ्री एडिशनल होंगे दीज आर एक्चुअली द एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन ये आपके कॉन्सेप्ट को देख के अगर आपके क्लियर होंगे तो आप इजीली इनको कवर कर सकेंगे तो स्टूडेंट्स देखते हैं चैप्टर नंबर वन से वन एम सी क्यू आना है टू से वन थ्री से टू फोर से वन चैप्टर नंबर फाइव से वन एम सी क्यू सिक्स से टू सेवन से वन एट से टू और नाइन से वन इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी नाइन चैप्टर्स हैं इन सब में से एक एम सी क्यू तो लाजमी आना है और जो तीन आपके एडिशनल आने हैं वो आपके चैप्टर नंबर थ्री एट इनसे आएंगे तो आपने इनको ज़्यादा अच्छे तरीके से करना है डियर स्टूडेंट्स अब हम शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन देखते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपके पास जो हैं वो टोटल ट्वेंटी फ़ोर क्वेश्चन होते हैं उसमें से आपने फिफ्टीन अटैम्प्ट करने होते हैं और ये जो ट्वेंटी फोर हैं इनकी भी आगे सब डिवीजनस की गई हैं के थ्री पार्ट्स होंगे थ्री क्वेश्चन नंबर टू थ्री और फोर इनमें एट एट क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनमें से आपने फाइव फाइव अटेम्प्ट करने होंगे और हर जो पोर्शन है उसमें दो जो हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए जाएंगे मींस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे चैप्टर नंबर वन से थ्री शॉर्ट आएंगे चैप्टर नंबर थ्री से थ्री शॉर्ट आएंगे और चैप्टर नंबर फाइव से टू शॉर्ट आएंगे इसी तरह चैप्टर इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो थ्री है उसमें टोटल एट होंगे क्वेश्चंस उनमें से भी आपने फाइव करने हैं चैप्टर नंबर टू में से आपके थ्री शॉर्ट आएंगे सेवन में से थ्री आएंगे और नाइन में से टू आएंगे स्टूडेंट्स आपको ये देख के साफ पता चल रहा है कि अगर आप चैप्टर नंबर टू और सेवन अच्छे तरीके से कर लेते हैं और नाइन को एक्सक्लूड भी कर दें तो कोई बात नहीं आपका ईजीली जो है वो क्वेश्चन नंबर थ्री अटैम्प्ट है इसी तरह आपके पास क्वेश्चन नंबर फोर है उसमें भी आपको एट क्वेश्चंस दिए जाएंगे जिसमें से आपने फाइव कंपल्सरी करने होंगे तो इसमें जो चैप्टर इंक्लूड होंगे डैट विल बी चैप्टर नंबर फोर सिक्स एंड एट चैप्टर फोर से थ्री क्वेश्चंस आएंगे, सिक्स से थ्री आएंगे और एट से टू यहाँ पे भी अगर आप चैप्टर नंबर एट एक्सक्लूड करना चाहें वैसे तो सारा करना चाहिए लेकिन जो स्टूडेंट्स टू द पॉइंट तैयारी करते हैं आखिरी दिनों में तो अगर वो चैप्टर एट एक्सक्लूड कर दें शॉर्ट के लिए तो वो इजीली अपना क्वेश्चन नंबर फोर अटैम्प्ट कर सकते हैं डियर uh, स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन डिवीजन टोटल जो हैं आपके थ्री होते हैं लॉन्ग उनमें से आपने टू अटैम्प्ट करने होते हैं और जो आपको थ्री क्वेश्चन दिए जाते हैं इनके ए बी पार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव सिक्स और सेवन इनका ए बी पार्ट होगा तो आपने अगर क्वेश्चन नंबर फाइव अटैम्प्ट करना है तो उसके लिए आपको चैप्टर नंबर वन थ्री और फाइव प्रिपेयर करना होगा क्वेश्चन नंबर सिक्स के लिए चैप्टर नंबर टू सेवन और नाइन प्रिपेयर करना होगा और क्वेश्चन नंबर सेवन के लिए चैप्टर नंबर फोर सिक्स और एट प्रिपेयर करना होगा इन शॉर्ट आपके ट्वेल्व चैप्टर्स हैं और ट्वेल्व में से अगर आप सिक्स चैप्टर्स को पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करते हैं तभी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस इजीली अटैम्प्ट होंगे और स्टूडेंट्स से इस साल जो है आप देख रहे हैं कि जो चैप्टर्स हैं वो दो नहीं दिए गए बल्कि तीन दिए गए हैं तीन देने का मकसद ये है कि इनमें से हो सकता है कि आपके पेपर में किसी एक चैप्टर में से नूमेरिकल आए और एक में से जो है वो थ्यूरी टाइप आए और एक एक्सक्लूड कर दिया जाए तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो तो आपने उसके लिए ट्वेल्व चैप्टर्स में से सिक्स को बहुत अच्छे से प्रपेयर करना है इस पेयरिंग स्कीम के अकॉर्डिंग क्योंकि ये जो पेयरिंग स्कीम है ये दिसंबर ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री में रिवाइज हुई है इसमें जो चेंजिंग आई है उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको ये शेयर कर दी है अब आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए अपने पेपर की बहुत अच्छी सी तैयारी करनी है एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर प्रेपरेशन स्टूडेंट्स इफ़ यू लाइक माय वीडियो देन डू सब्सक्राइब माय चैनल विच इज़ क्विक लर्न अकैडमी बाय अरुसा एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी